अंबाला नगर निगम में स्वच्छता अभियान का बुरा हाल है, जिसकी जीती जागती तस्वीर अंबाला नगर निगम में ही दिखाई देती है। निगम में ही साफ सफाई नहीं है। इतना ही नहीं, अंबाला के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स का बुरा हाल है। इन टॉयलेट्स में सफाई नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। वही कुछ टॉयलेट्स पर निगम द्वारा ताला लटका दिया गया है। हमारी टीम ने नगर निगम का दौरा किया तो वहां भी साफ सफाई का कुछ खास ध्यान नहीं रखा जा रहा। नगर निगम के नजदीक जगाधरी गेट पर ही बने पब्लिक टॉयलेट में सफाई नाम की कोई चीज नहीं दिखी। वहीं अंबाला शहर के पार्क के नजदीक बने टॉयलेट्स पर ताला लगा मिला, वहां भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी। कूड़ादान साइड में रखा पड़ा था और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। लोगों ने बताया टॉयलेट को लेकर कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही हाल अंबाला की अंबा मार्केट का भी देखने को मिला, जहां गंदा पानी मार्केट में खड़ा था और सफाई हमें इस मार्केट में भी दिखाई नहीं दी। ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे हैं तो साफ सफाई कैसे होगी। पार्क में झुग्गियां बनाई गई हैं, जिस पर अंबाला नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बारिश के समय में पानी भर जाता है, पानी खुद सूख जाए तो ठीक, लेकिन नगर निगम से यहां कोई झांकने नहीं आता। उनकी अर्जी पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। अंबा मार्केट के दुकानदार चाहते हैं कि नगर निगम टैक्स वसूलता है तो उन्हें सुविधा भी दे, उन्हें उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। बताते चले कि अंबाला नगर निगम आए दिनों अपने भ्रष्टाचार विवादों व गलतियों को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन अंबाला नगर निगम कभी बेहतर काम के लिए सुर्खियों में नहीं रहा। निगम के अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकल व्यवस्था को शायद कभी जांचना ही नहीं चाहते, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। नगर निगम में साफ सफाई और पब्लिक टॉयलेट्स की गंदगी को लेकर निगम अधिकारियों से सवाल किया गया तो हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन ही सुनने को मिला। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। समस्या है सर हमारी, हमारा जो औरतें हैं, लेडीज बच्चे हैं, वो लेन पे मजबूर हैं लेटरिन पेशाब करने के लिए। हमारा बाथरूम 10 जनवरी से बंद है जी। ये पड़ता है अंबा मार्केट बंद फाटक विजय सिनेमा के पास, रोडवेज की बैक साइड में, और बाहर के भी कर्मचारी आते हैं वो भी परेशान हैं। लेनों पे जाती हैं सर, लेनों वाले परेशान करती हैं। तो पहले भी शिकायत दी है आपने? पहले जी शिकायत दी, उसके गटर भी बंद हो जाता है बार बार, वो महीने 10-5 दिन बाद सही साफ कर लेती हैं जी। अब बिल्कुल पूर्णतया बंद है, उसमें ताला पड़ा हुआ है। तो पहले शिकायत दी थी, क्या कार्रवाई की थी? पहले 2-4 दिन बाद साफ चालू हो जाता है। वहाँ दूसरे वाले का भी डबल डबल हम पे वो पड़ता है जी, डबल टैक्स। अभी क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं जी वो खुल जाए हमारा, हमारे 300-400 बंदे डेली के उसमें लेटरिन बाथरूम करने जाते हैं। ये झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है बंद फाटक के बराबर में, वो समस्या अब दोबारा खड़ी हो गई है जी। बाहर लेटरिन बाथरूम खुले में करना पड़ता है शौचालय औरतों को, लेडीजों को और आदमियों को, बंदों को, सभी को। कहाँ से आए हो, क्या समस्या आपकी? अंबा मार्केट से आए हैं जी। ये शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले खुला था, 10 तारीख से ये बंद पड़ा है। हमारी माँ बहन बेटी लेनों पे जाती हैं, वहाँ रेलवे वाले परेशान करते हैं कि आप शौचालय में जाएं, तो शौचालय में कैसे जाएं, शौचालय बंद है। वो रेलवे लाइन पर जब मजबूर होकर हमारे को जाना पड़ता है। कुछ आते हैं, हादसा हो गया तो बच्चे मरे, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, वो हादसा हो भी सकता है। तो हमारे को बहुत भारी दिक्कत आ रही है और हम यही आसरा लेके आए हैं कि ये शौचालय कृपया करके खोला जाए। कहाँ पे है ये शौचालय? हाँ जी, शौचालय कहाँ पे है ये? ये बन अंबा मार्केट बस स्टैंड के साथ ही है, विजय सलीमे के साथ। क्या चाहते हैं? बस शौचालय खुल जाना चाहिए, बहुत अति कृपा होगी। ग्रीन बेल्ट है, एक बहुत गंदगी है यहाँ पे, और ये जो झुग्गी वाले हैं इनकी भी कहीं जैसे रेडियाँ खड़ी हैं, आप देखिए उसको, ये साफ़ सफाई होनी चाहिए, हटना चाहिए। और बहुत पॉश मार्केट है, एम्पल ऑफ पार्किंग यहाँ पे लगती है, मतलब पर कुछ कमेटी या हमारी जो प्रशासन है नहीं इस पर ध्यान दे पा रहा। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए कि इसको प्लीज़ आप
हाईलाइट करवा के हमारा इसका सुधार करवाया। शिकायत भी करते हैं आप लोग? हाँ जी, इसका हमने आर्टिकल भी छपवाया था, जैसे कि हमारे पास टाइम टू टाइम कई बार आर्टिकल भी छपे छपाया अखबार में। इसके साथ साथ ना हम कमेटी में भी इसके काउंसलर साहब को कंप्लेंट करके आए थे। हाँ जी, उसकी कॉपी भी है हमारे पास रिसीविंग की। या तो बंद पड़े या सफाई नहीं है। ये जो जितने भी टॉयलेट्स हैं, इसके लिए हमने आज ही सुबह आप दरोगे बुलाए हैं आपके सामने और मीटिंग भी ली है, इसीलिए इनको यही बताया गया है कि जो सफाई व्यवस्था है उसके ऊपर थोड़ा सा और दुरुस्त होकर काम करें, और जो जितने भी अपने पब्लिक या कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उनमें जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करें, और जहाँ हमारी जरूरत है तो हमें बताएं, हम आपका सेव करेंगे। कहाँ पे जी? नगर निगम के अंदर ही बिल्डिंग है या बिल्डिंग के आसपास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिली? नहीं, हमने तो कोशिश पूरी है जी सफाई के लिए, तो कोई अगर आपको नजर आती है आप बताएं, हम आपके सामने अभी तुरंत कराएंगे जी, कोई वो नहीं हमारी तरफ से, हम आपके सहयोग में खड़े हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.